इंट्राडे स्ट्रेटजी फॉर एक्सपायरी डे, ओके। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कैसे हम एक्सपायरी डे के दिन जो है इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शन राइटिंग में, ठीक है। तो वीडियो अगर स्ट्रेटजी स्टार्ट करने से पहले बताने से पहले एक रिक्वेस्ट ये है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पे आज की किस दिन का अगला एक्सपायरी जो आता है 9 तारीख को, ठीक है, जैसे एक्सपायरी डे कौन सा है, तो हमारा थर्सडे के दिन जो है हमारा एक्सपायरी डे होता है, ठीक है। अगर उस दिन जो है आपका मार्केट क्लोज रहता है, ठीक है, तो जो है जो भी लगाए होते हैं ऑप्शन में वो लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन राइटिंग करते कैसे हैं, ठीक है, एक्सपायरी डे को यूज कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जाएंगे एनएससी के साइट्स पे, देन लाइव मार्केट में 9:15 पे जाना है और वहां पे जाना है इक्विटी डेरिवेटिव्स में, राइट, ठीक है। लाइव मार्केट ऑप्शन चैन इक्विटी डेरिवेटिव्स, ठीक है, इतना तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। हम उस पर जाएंगे और जाने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखा है, एक्सपायरी डेट कौन सा, देखिए अगला कौन सा है 16 मई 23 में सब दिखाता है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हम देख सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे निफ्टी, फिर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो हमने ओपन कर लिया है, आपको पता है मैंने क्या किया है, आपको 9:15 पे जाना है एनएससी के साइट्स पे, फिर लाइव मार्केट ऑप्शन चैन एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स, राइट। और अब फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जाएंगे ये देखिए इस साइड, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन आपका कॉल और दिस पोर्शन सेकंड वाला पोर्शन, ये है पुट, ठीक है। इसमें हम ऑप्शन को राइट करके चलेंगे उस दिन, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन को राइट करके चलेंगे एक्सपायरी के दिन, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है, हमको मेन एक्सपायरी डे के दिन क्या चीज देखना है, मेन क्या देखना है जिससे कि हमारा प्रॉफिट हो नुकसान ना हो, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, ये देखिए ये देख रहे हैं, ये एलटीपी है, ठीक है, एलटीपी कॉल्स का और यहाँ पे है एलटीपी पुट्स का, ये देखिए, ठीक है, हमको इसको ध्यान देना है, ठीक है। इसी के बदौलत हम अपना प्रॉफिट करेंगे, कैसे वो आगे देखिए। देखिए पहली चीज तो थोड़ा मोड़ा जो है इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए। कॉल का ये जो पोर्शन है, जी कलरफुल पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कर्सर अभी घूम रहा है इन द मनी, ठीक है। और जो ये पोर्शन है आप देखिए स्ट्राइक प्राइस जो चल रहा है, जैसे मैं दिखाता हूँ अभी आपको, देखिए यहाँ पे ये है एट द मनी, और जो ये व्हाइट पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, वो है आउट ऑफ द मनी, ठीक है। तो आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, हमको ना इन द मनी में खेलना है, ठीक है, ना एट द मनी में, हमको खेलना है आउट ऑफ द मनी में, ठीक है। ये व्हाइट पोर्शन है कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पे कर्सर देख रहे हो, ये जो चीजें आपको मैं एक सीन दिखा देता हूं, ये देख रहा हूं एलटीपी यहां पे, ठीक है, इस पोर्शन को हमको देखना है, बस यहां से ही सेलेक्ट एक चीज करना है, क्या करना है मैं बताता हूं आगे, ठीक है। और जो पुट कॉल में है वो पुट में है, आपको समझ में आ गया होगा, आउट द मनी, इन द मनी, एट द मनी, समझ में आ गया ना। चलिए इसमें देखिए, इसमें एलटीपी मतलब यहां पे है, ठीक है, यहाँ पे एलटीपी है आपका और यहाँ कॉल का यहाँ पे पुट गया, ठीक है। इसमें क्या करना है, ठीक है, हमको इसमें क्या करना है, हमको यहाँ पे हम चूज करेंगे एलटीपी कौन सा आउट ऑफ द मनी में, ₹5 से लेके ₹8 के बीच का एलटीपी, ये पोर्शन, ये, ठीक है, जहाँ पे कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ₹5 से लेके ₹8 के बीच का जो एलटीपी ढूंढना है, ठीक है। और सेम पुट में भी होगा, ठीक है, आउट ऑफ द मनी में हमको कौन सा लेना है, ठीक है, ₹5 से लेके ₹8 के बीच का, ठीक है। एलटीपी पे ध्यान दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं ध्यान देना है, चेंजिंग वाई कुछ नहीं ध्यान देना उस दिन, ठीक है, आपको ये ढूंढना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या करना है, आपको 9:30 के बाद, मतलब 9:30 के बाद इसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, राइट करके चलेंगे, राइट करके शॉर्ट सेल करके चलेंगे, बाय नहीं करना, ठीक है, शॉर्ट सेल करना है ₹5 से लेके ₹8, मेरी बात मानिएगा तो ₹7 का या ₹6 का रख लीजिएगा, इनफ है, ठीक है। और वो दोनों पोर्शन, ये एलटीपी और ये एलटीपी सेल करके चलना है आपको, ठीक है, शॉर्ट सेल। और इसमें क्या होगा, ये जो है 1.5 घंटे के अंदर, ठीक है, कल के मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम जो है ये आपका जो आ जाएगा, वो आ जाएगा ₹2 से लेके ₹2 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, वहां पे करना है आपको एग्जिट,
ठीक है, ये कल के 0.2050 तक भी आता है, लेकिन अगर आप वहां तक वेट करेंगे तो ये हो जाएंगे आपका 3 बजा देगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभार होता है ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि ये 2 रुपए से या 1 रुपए से कल के नीचे आने तक 3 बजा देता है, 3:15 हो जाता है, कभी बार क्या होता है बहुत जल्दी ही हो जाता है 0.5020, ठीक है। तो आपको ये LTP थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, 5 रुपए से लेके 8 रुपए के बीच का LTP रखना है एक्सपायरी डे के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो आपको रखना है LTP, मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है, LTP कौन सा मैंने आपको बोला, कितने 5, ठीक है, 5 पॉइंट वाला, ठीक है, कॉल का भी हाँ LTP कौन सा होएगा 5 पॉइंट का, लेकिन मैंने क्या बोला 5 से 8, तो यहाँ पे आप 6 कर सकते हैं, चलेगा ये, ठीक है, ये गल के आएगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला, ठीक है, कि जैसे ही मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, जैसे ही ये गल के, ठीक है, गल के आपका 1 रुपए से लेके 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट तक आ जाए, ठीक है, आपको वहीं से एग्जिट हो जाने का है, ठीक है। सेम चीज इसमें भी है, ये सेम चीज आपका इसमें भी लागू होगा, ठीक है, ये सेम चीज, ठीक है। LTP पुट का लेना है कब, एक्सपायरी डे का, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ये मेन जो है एक्सपायरी डे का है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, LTP लेना है, पुट का और कॉल का दोनों का 6-6 पॉइंट का ले लेंगे, ठीक है, 9:30 पे एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट कितने बजे करेंगे हम, वो करेंगे 9:30 AM, आफ्टर 9:30 AM को जो LTP हमने चूज किया है 6 पॉइंट का दोनों, लेकिन कोशिश कीजिएगा दोनों 6-6 पॉइंट का या 7-7 जो भी ले, 5 से 8 के बीच जो भी पॉइंट ले वो सेम टू सेम मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर सपोज क्या कर रहा है मार्केट, देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं, इसमें अगर LTP आप सेम लेके चलते हैं, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, एक तो एक्सपायरी के दिन गलत होती किसी, अगर बड़ा LTP लेंगे तो गलने की चांसेस लगभग, अब पता चला 100 रुपए का LTP ले लिया, आपको लगता है शाम तक 5 रुपए गल के आएगा, 5 पैसे या जो 50 पैसे, नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा वो, ठीक है। लेकिन 5 पैसे 6 पॉइंट 5 पॉइंट 7 पॉइंट का क्या है, वो गल के 0 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमने आपको 1.5 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट के बीच में एग्जिट कर देना है, 1 से 2 के बीच में एग्जिट कर दो। फिर क्या करो आप, फिर सेम सिनेरियो में क्या करो आप कि दूसरा एक LTP ढूंढो जो 5 से 7 के बीच में अभी भी वर्क कर रहा है, आउट ऑफ द मनी में जो अभी भी 5 से 7 के बीच में वर्क कर रहा है, फिर आप उसको फिर से शॉर्ट सेल करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप डबल धमाका करेंगे, मतलब क्या, एक बार आपने कमा लिया दोबारा फिर से कमाया, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी का समझ आ गया, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में भी सेम है, ठीक है, क्योंकि बस इसमें थोड़ा सा आपका स्ट्राइक प्राइस का अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, इसमें भी आउट ऑफ द मनी सेम है सब कुछ, आउट ऑफ द मनी में 5 से लेके 8 का बीच का ढूंढना है, ठीक है, 6 पॉइंट्स का, और इसमें भी LTP में ये आपका देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, 5 से लेके 8 के बीच में ढूंढना है, ठीक है, 6 पॉइंट्स का रख लीजिएगा LTP दोनों का ही, यहाँ पे 6 पॉइंट्स होने चाहिए और यहाँ पे 6 पॉइंट्स होने चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, ना OI देखिए ना चेंजिंग OI देखिए, ठीक है। आफ्टर 9:30 मॉर्निंग आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, जैसे ही 1 से 2 पॉइंट्स के बीच में आ जाए, ओके, आप वहां से एग्जिट हो जाओ, फिर से आप ढूंढो कि 5 से 7 के बीच में कौन सा ऐसा आउट ऑफ द मनी में चल रहा है जो अभी भी 5 से 7 रुपए के बीच में वर्क कर रहा है, ठीक है। अब फिर से तुरंत शॉर्ट सेल कर दो दोनों को, ठीक है। डेफिनेटली आप 4 पॉइंट उसमें, 3 पॉइंट मान लो, 3 पॉइंट सेल में, 3 पॉइंट कॉल में, 3 पॉइंट सेल में, 3 पॉइंट कॉल में, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है इतने, ठीक है, मैं कैसे ट्रेड करूंगा वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें होती है मेरे को पता है, ठीक है, तो आप क्या करो उस सिनेरियो में कि आप थोड़ा सा वेट करो, किसका, मार्केट देखो पोजिशन क्या कर रहा है, ठीक है, मार्केट देखो पोजिशन क्या कर रहा है, मतलब मार्केट अगर ऊपर जा रहा है, सपोज दैट, ठीक है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है,
ठीक है। तो आप उस दिन क्या करो, आप उस दिन क्या करोगे, ₹5 का ही LTP लेना है आपको, ठीक है, ₹5 के LTP को आप लोगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखो, लगभग मैंने अभी तक जो मैंने देखा है कि लगभग बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्केट केवल गिरता ही है बृहस्पतिवार को, ठीक है। आप क्या करो, कॉल को उठाओ, अगर पैसे आपके पास नहीं है तो मैं आपको एक अलग प्लेटफॉर्म एक बताता हूँ, जहाँ पे आप जाके जितने पैसे, अगर आप स्टॉक्स या रोदा में आप कर रहा हूँ, उतने से हाफ एंड हाफ में जो है, ठीक है, आप उस प्लेटफॉर्म पे कॉलर को दोनों का मतलब एक एक लॉट को लेके कर सकते हो काम, ठीक है। तो आप क्या करो, LTP 5 से 7 रुपए के, 8 रुपए के बीच का जो है, 6 या 7 का ले लेना दोनों का, और उसको शॉर्ट सेल कर दीजिए दोनों LTPओं को, ठीक है। फिर से जैसे ही 1 या 2 के बीच में LTP आपकी घट गल के आ जाए, आप क्या करो उस दिन उसको तुरंत एग्जिट हो जाओ वहां से, और फिर से ही ढूंढो कि 5 से 7 के बीच का LTP किस वहां पे आउट ऑफ द मनी में चल रहा है, ठीक है। अब फिर उसको लगाओ, फिर शॉर्ट सेल करो, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी जो कि हमेशा मैं इस पे वर्क करता हूँ, ठीक है। और इस बार तो खैर मुझे कहीं जाना है, ओके, आप इस बार को तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ आप इसे वर्क कर देखिए, डेफिनेटली फायदा होगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज और, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप उस पर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा सा ऊंचा होता है। मुझे लगता जैसे ही मेरे पास टाइम, मैं आपको तुरंत रिवर्ट करूंगा उस चीज को लेके, राइट। तो ये चीज है। दूसरी चीज, जिस चीज का मैं बात कर रहा था, ठीक है, आस्था ट्रेडिंग, ठीक है, स्टॉक्स में, तो उन्होंने बोला था कि बैंक निफ्टी का, ठीक है, मतलब निफ्टी बैंक का जो है, अगर मैं एक लॉट लेता हूँ तो लगभग 23,000 से 25,000 के बीच में पड़ेगा, मुझे ये बोला गया था, ठीक है। तो मैंने ये बोला, भाई ये तो बहुत कॉस्टली है, तो उन्होंने बोला भाई ऐसा ही है हमारे यहाँ शायद 3 गुना या 4 गुना जो भी हो उनका ये मार्जिन देखते हैं, ठीक है। जरोदा में मैंने पूछा था उनको, ठीक है, तो उन्होंने भी सेम बोला था, ठीक है, सेम रिप्लाई आया था मेरे को। लेकिन आस्था में मैंने जब बात किया तो वहां पे थोड़ा सा मुझे तसल्ली बना, चूंकि मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग हैं वो तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक है। तो आस्था क्रेड में क्या है, आप निफ्टी बैंक खेल रहे हो अगर, ठीक है, तो आपका मान के चलो 1 लॉट का जो है, ठीक है, आपका लगभग आएगा भाई 7,000 में, 7,000 तो वो बोलते हैं लेकिन ये 5,000 में आ जाता है, ठीक है, एक लॉट का, कॉल और पुट का मिला के दोनों मिला के 10,000 हो जाएंगे, राइट। और आपका निफ्टी का जो हो जाएगा, ठीक है, निफ्टी का जो हो जाएगा वो आपका 6,000 में, निफ्टी का 6,000 में, बैंक निफ्टी का, निफ्टी बैंक का जो है 5,000 में, ठीक है। तो ये चीज है, इसका ओपन कराने का चार्ज जो मेरा लगा था वो लगा था लगभग ₹500 लगे थे, ठीक है, और ठीक है, और उसके बाद जो इनके ओपन कराने का चार्ज 500 था और प्लस इनका जो ईयरली चार्जेस था जो कि मैं डीमैट में उसमें ऐड किया तो वो शायद 4 समथिंग का है, तो वो सही है, ठीक है, बाकी ओवरऑल ठीक है। आस्था ट्रेड जब ओपन करा था तो मैं डर रहा था आस्था ट्रेड को लेके, ठीक है, लेकिन मुझे ठीक लगा, अच्छा है, ठीक है, थोड़ा सा कंपनी वंपनी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा उनके कस्टमर जो कस्टमर केयर है वो थोड़ा जानते हो कि MP साइड का, तो थोड़ा बात करने के लिए थोड़ा अलग टोन का होता है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, सारे ऐप से नहीं है, लेकिन ओवरऑल